हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द विकिपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं हूं अपने घर के होम बार में। अगर आपने मेरे घर का होम बार नहीं देखा, वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, आप विजिट कर सकते हो चैनल पे और मेरा पूरा घर का होम बार देख सकते हो। भाई आज इतनी ज्यादा गर्मी है ना, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है जलंधर में और आपकी सिटी में, स्टेट में भी काफी ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा। तो इसीलिए आप सबके लिए एक ठंडा सा मैं रिव्यू लेके आया हूँ किंगफिशर अल्ट्रा का। ये पूरी पेटी है, कहाँ से मैंने बाय की है, कितने की मिल जाती है, कैसा इसका टेस्ट है, क्या नोजिंग है, सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, पेटी की अनबॉक्सिंग भी करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा चिल्ड होगी, गर्मी में आपको ठंडा ठंडा एहसास मिलेगा। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर भी कर दिया करो, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूं। प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू को। तो दोस्तों ये है किंगफिशर अल्ट्रा लागर बियर की पेटी। ये मैंने चंडीगढ़ से बाय की है, हाल ही में ही चंडीगढ़ गया था वीडियो बनाने के लिए। आप सबने देखा होगा लीकर स्टोर की मैंने वीडियो बनाई है, वहां से मैंने ये पूरी पेटी किंगफिशर अल्ट्रा की बाय की है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये महाराष्ट्र की हुई है, ये महाराष्ट्र से बन के आई है, पंजाब में नहीं बनी, चंडीगढ़ में नहीं बनी। तो ये पूरी पेटी में 12 बॉटल्स होती हैं। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं अपनी पेटी को। काफी जबरदस्त इसमें लगी हुई है, ग्लू लगी हुई है। तो ये किंगफिशर अल्ट्रा की बॉटल है, ये चंडीगढ़ से 1600 की मुझे मिली है पेटी, 1600 रुपए की 12 बोतल। वैसे 180 रुपए की एक बॉटल चंडीगढ़ में मिलती है और अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में ये मिलती है 250 रुपीज की, जलंधर में 250 की मिलती है, 250 रुपए की एक बॉटल। तो 12 बॉटल है ये। अभी मैं इसको पूरा चिल्ड करूंगा, फ्रीजर में लगाता हूं अपने घर पे, ठंडी होने के बाद मिलते हैं और इसके बाद करेंगे इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो दोस्तों हमारी जो बियर है ये सुपर चिल्ड हो गई है, फ्रीजर से मैंने इसको निकाल लिया है, मेरे अंदर भी अब कीड़े जो है ये जाग गए हैं। जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी किंगफिशर अल्ट्रा। कलर काफी ज्यादा लाइट है, यहाँ पे लाइट डार्क है इसलिए वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन ये काफी लाइट कलर की है, काफी अच्छा कलर है इसका। कार्बोनेशन इसमें काफी अच्छी है, इसमें हेड इतना ज्यादा नहीं बना, जो ऊपर है ये इतना ज्यादा नहीं बना। तो जल्दी से नोजिंग करते हैं। नोजिंग में काफी ज्यादा लाइट है, ये एक लाइट बियर है, इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ आपको 5% से कम मिलेगी। तो ये मुझे पीने में काफी अच्छी लगती है, ये समर्स में डे टाइम में आप काफी अच्छे से पी पाओगे। हल्का हल्का राइस का अरोमा इसमें से आ रहा है। अब जल्दी से टेस्ट करते हैं। चीयर्स। वेरी लाइट राइस का हल्का हल्का लेमनी इसमें टेस्ट आ रहा है, टेस्ट काफी अच्छा, काफी रिफ्रेशिंग है और काफी ज्यादा लाइट है। भाई ये मुझे ना पीने में काफी अच्छी माउथ फील देती है, इसकी जो कोटिंग है माउथ में काफी अच्छी है, हल्की क्रीमी, हल्की आपको होप्स का काफी अच्छा टेस्ट आएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसके ऊपर 6 मंथ्स की एक्सपायरी आती है किंगफिशर अल्ट्रा में, पीछे मेड्यूसा पड़ी है उसके ऊपर 1 साल की एक्सपायरी आती है। तो इस बात से मैं थोड़ा सा ये हूं कि 6 महीने में जल्दी एक्सपायर हो जाती है, थोड़ी सी एक्सपायरी डेट इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। मेड्यूसा पड़ी है उसका भी रिव्यू हम करेंगे, गोल्ड पड़ी है बीरा गोल्ड उसका भी हम रिव्यू करेंगे, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स मेरे बार में पड़ी है उसका भी रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो काफी अच्छी बियर है, गर्मियों के लिए लाइट है, अगर आप दिन में पीना चाहते हो जैसे कि अब दिन है इसको मैं पी रहा हूं तो मुझे पीने में काफी अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा होम बार कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो पचियो।